हाय, गोदावरी किचन में आप सब लोगों को मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं सिंघाड़े का आलू गुंडा बनाने जा रही हूँ, व्रत वाला। इसके लिए मैंने कढ़ैया लिया है। कढ़ैया में 2 चम्मच घी डाल दिया है और इसमें हम आधा चम्मच जीरा डाल रहे हैं और 3 हरी मिर्च है कटे हुए छोटे टुकड़ों में डाल रहे हैं और थोड़े से मीठा करी पत्ता डाल रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा तड़कने देते हैं। हमने 3 आलू आलू लिए हैं, उसको उबाल दिए और छिलका निकाल के इसको अच्छा से मसल दिए हैं और इसको हम तलेंगे। आलू अच्छे से फ्राई हो गया और घी का भी अच्छे से खुशबू आने लग गया है। इसमें हम डालते हैं सेंधा नमक, आधा चम्मच है, स्वाद के अनुसार डालना है। आधा चम्मच जीरा पाउडर है, एक चौथाई काली मिर्च पाउडर है और 5 चम्मच मूंगफली है, उसको भून लिए थे और छिलका उतार के अच्छा से दरदरा पीस लिए हैं। इसको हम अब अच्छे से मिला देते हैं और गैस को बंद कर देते हैं और ठंडा होने रख देते हैं। इसमें हम थोड़ी सी हरा धनिया डाल लेते हैं। अब इसमें को ठंडा होने रख देते हैं। अब हम घोल तैयार कर लेते हैं आलू बड़ा बनाने के लिए। 1 कटोरी सिंघाड़े का आटा है और 1/4 जीरा पाउडर है, 1/4 काली मिर्च पाउडर है और 1/4 नमक है, सेंधा नमक उपवास वाला। इसको स्वाद के अनुसार डालना है क्योंकि मसाला में भी डाले हैं। इसको थोड़ा मिला लेते हैं और इसमें थोड़ी थोड़ी पानी डाल के मिलाते जाएंगे। इसका पतला घोल तैयार करना है और गुठली बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ऐसे पतला घोल तैयार करना है ऐसे। और हमारा आलू का मिश्रण ठंडा हो गया है। अब इसे हम जैसा पूरी का लोई लेते हैं वैसे गोल गोल ऐसे इतना छोटा छोटा रखना है और यहाँ डालना है। और इधर हम तेल गरम करने के लिए भी रख दिया है। तेल गरम हो गया है, अब हम इस एक एक ठो इसमें मिला लेते हैं डिप करके और डालेंगे। अब इसको हम पलट देते हैं। इसको हम ब्राउन होते तक पकाएंगे। और पलट पलट के सेकेंगे
ताकि पूरा तरफ अच्छे से पक जाए। अब इसको हम अच्छे से ब्राउन हो गए हम निकाल लेते हैं। फिर बचे हुए को और हम डालते हैं। हमारा व्रत वाला सिंघाड़े का आलू गुंडा बनके तैयार है। और इसके साथ हम रायता रखे हैं आलू का, जो साथ में खाने से बहुत अच्छा लगता है। उपवास वालों के लिए नवरात्रि स्पेशल बनाए हैं और उपवास वाले के लिए बहुत अच्छा है। बनाइएगा, खाइएगा और अपना अनुभव गोदावरी किचन में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।